किसान और सरकार संगठनों के बीच मीटिंग में बोले कृषि मंत्री, सरकार ने अधिकतर मांगों को माना, किसान एक कदम भी नहीं बढ़ रहे आगे, तो एमपी में कई जगह कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। देशभर में कल से शुरू होगा टीकाकरण का महाअभियान, सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली से करेंगे इसकी शुरुआत, तो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और विश्वास सारंग भोपाल में होंगे शामिल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए धन संग्रह अभियान का आगाज, सीएम शिवराज ने दिए 1 लाख रुपए, कहा मंदिर में लगेगी मेरे परिवार की भी एक ईंट। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने स्वीकारी भूल, कहा गलती से निकला प्रजनन शब्द, बेटियों की शादी की उम्र पर की थी टिप्पणी। और ब्यावरा पहुंचा सूबेदार लखन लाल जाटव का पार्थिव शरीर, कल दिल का दौरा पड़ने से इलाहाबाद में हुआ था निधन, कुछ ही देर में गृहग्राम करनवास में होगा अंतिम संस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएन में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टीकाकरण के पहले। आज दोपहर कोविड-19 वैक्सीनेशन के वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसमें ऑनलाइन जुड़े केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विश्वास, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप और प्रभुराम चौधरी के साथ हम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन को सुरक्षित बताते हुए कहा कि कोविड-19 के अंत की शुरुआत है। वर्कशॉप में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। ऑनलाइन के माध्यम से वर्कशॉप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि आज शाम सभी के पास एसएमएस भेज दिया जाएगा। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंगरौल से टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। मंत्री प्रभुराम चौधरी, विश्वास सारंग भोपाल के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। कल से शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन का महाअभियान, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो रहा है। सिंगरौली से कोरोना वैक्सीन की शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। राजधानी भोपाल में मंत्री प्रभुराम चौधरी और विश्वास सारंग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी यहां पर हेल्थ केयर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके लिए तमाम तरह की यहां गाइडलाइन भी शासन की तरफ से दी गई है, जिसका पालन करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही कहा गया है कि आज 1200 लोगों को यहां पर मैसेज भेज दिया गया है, जिनको सबसे पहले टीका लगेगा। जेपी अस्पताल का जो स्वास्थ्यकर्मी है उनको सबसे पहले यहां टीका लगाया जाएगा हेल्थ केयर के तौर पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंगरौली से कोरोना वैक्सीन की शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे, जहां मंत्री प्रभुराम चौधरी और सारंग भोपाल के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। कल से शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन का महाअभियान। तो अब हमारे साथ फोन लाइन पर एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, सिंगरौली से कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की जाएगी और वैक्सीनेशन का महाअभियान कल से ही शुरू हो रहा है, ऐसे में कितनी तैयारी आप देखते हैं कि कितने तैयार हम लोग हैं? चलिए, फिलहाल तकनीकी खराबी के चलते उनसे संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। तो सिंगरौली से कोरोना वैक्सीन की शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे, मंत्री प्रभुराम चौधरी और विश्वास सारंग भोपाल के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कल से शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन का महाअभियान। और एक बार फिर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं। महेंद्र जी,
कल से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो रहा है और ऐसे में सिंगरौली से सीएम शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करेंगे, कितनी तैयारी आप देखते हैं? बिल्कुल, सारी जगह मध्य प्रदेश में तैयारियां हैं कोवैक्सीन को लेकर। बड़े लंबे अरसे से इंतजार था मध्य प्रदेश को और देश को भी। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कल से होगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका आगाज सिंगरौली से करेंगे। तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभु राम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो भोपाल के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आप ये देखें ऋतु के वैक्सीनेशन सुबह 9 बजे शुरू होगा, लेकिन इस पूरे ओवरऑल वैक्सीनेशन को देश के प्रधानमंत्री 10:30 बजे संबोधित करेंगे कि कल से जो हेल्थ वर्कर्स हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं, जितने लोग बाहर रहते हैं, जो ऐसे वर्कर्स हैं, उनको, सफाई कर्मचारी हैं, इन सबको प्राथमिक तौर पर टीका लगाया जाएगा। तो आप देखें कि मध्य प्रदेश में सारी जगह तैयारियां हैं, पूरी तौर पर तैयारियां हैं और 2.25 लाख करीब हेल्थ वर्कर्स होंगे मध्य प्रदेश में जिनको यह टीका लगेगा। 16 जनवरी यानी कि कल सुबह 9 बजे से पूरे प्रदेश में 2,25,000 हेल्थ वर्कर्स को लगातार टीकाकरण किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर बड़े काफी समय हो गया जब से ये कयास लगाया जा रहा था कि कब आएगी कब आएगी, लेकिन अब अंततः ये उम्मीद का टीका जो है ये आ गया है और अब इसको लोगों में लगाया जाएगा। ऋतु बिल्कुल, महेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सिंगरौली से कोरोना वैक्सीन की शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे, मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भोपाल के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कल यानी कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का महाअभियान देश भर में शुरू हो रहा है। अब रुख करते हैं अगली खबर का, जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान आज से शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का चेक विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशमुख को भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली है। श्री राम मंदिर निर्माण में एक ईंट हमारे परिवार की भी लगेगी। अयोध्या में राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि राम हमारे आराध्य हैं, भगवान है। श्री राम भारत की पहचान है। श्री राम के बिना ये राष्ट्र नहीं पहचाना जा सकता। ये सौभाग्य है कि मंदिर का निर्माण बन आपको बता दें कि जन सहयोग से ही प्रारंभ हो रहा है। चलिए अब भिंड से मिल रही खबर का रुख करते हैं, जहां कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ है। कोहरे के चलते बस और 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 0.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। उमरी थाना क्षेत्र के सिंध नदी के मेहदा पुल की पूरी घटना बताई जा रही है। तो भिंड से खबर आपको बता रहे हैं जहां कोहरे के चलते बस और 2 कारों में भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में तकरीबन 0.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जहां घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। अभी किस तरह की स्थिति है इसकी अपडेट नहीं मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता चंद्रपाल फोन लाइन पर पैच हो चुके हैं। चंद्रपाल, फिलहाल किस तरह की अपडेट मिल रही है, घायलों की क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? जी ऋतु, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सुबह 8 बजे की घटना है। सुबह 8 बजे कोहरा छाया हुआ था तो वहाँ पे बस और कार आपस में टक्कर हो गई थी, तो इसमें 0.5 दर्जन लोग घायल हुए। जी चलिए चंद्रपाल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको भिंड की दिखा रहे हैं, जो हाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सुबह 8 बजे की घटना बताई जा रही है। कोहरे के कारण यहाँ चलती बस और कार में टक्कर हो गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि इसमें 0.5 दर्जन लोग घायल हो चुके हैं, जो कि फिलहाल स्थिति यहाँ
सही बताई जा रही है, स्थिर बताई जा रही है, और इसके चलते ही अब आगे की मौके पर पुलिस पहुंची और आगे की जांच में भी जुट गई है। राजधानी भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए 11,000 रुपए का चेक दिया। मीडिया से बात करते हुए सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि राम मंदिर के लिए कई पीढ़ियों ने अपनी आहुति दी है, मंदिर निर्माण में सहयोग करके कांग्रेस अपने पाप से मुक्त हो जाएगी। वहीं केंद्रीय कृषि सुधार कानून के विरोध में कांग्रेसी आज विरोध प्रदर्शन किया है, जहां कांग्रेस राजीव भवन से राजभवन तक पैदल मार्च कर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां छिंदवाड़ा, हरदा, इंदौर, ग्वालियर में कांग्रेस ने यहां प्रदर्शन किया किसान आंदोलन के समर्थन में, और ऐसे में यहां पर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया और कई तरह के बयानबाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं 15 साल की उम्र में लड़कियों के प्रजनन योग्य हो जाने वाले बयान से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अब पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि गलती से मुंह से प्रजनन शब्द निकला, जिसका मुझे खेद है। और इसके साथ ही सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी कहा कि वो अपनी इस बात पर कायम है कि बेटियों की शादी करने की उम्र 18 वर्ष ही रहनी चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि वो बालिकाओं और महिलाओं के मुद्दों पर पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार के खिलाफ अपनी बात रखते आए हैं। उनका सम्मान मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि रहा, लेकिन बीजेपी की सरकार ने पिछले 15 साल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 के बजाय 21 वर्ष का नया जुमला इसलिए लेकर आए ताकि सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना के 3 साल के पैसे ना देने पड़े। हम ये नहीं कह रहे जब 18 साल है तो जो कौन सा बड़ा वैज्ञानिक हो गया भैया शिवराज, कौन सा बड़ा डॉक्टर हो गया तो 21 साल करने वाला। भाई डॉक्टरों की रिपोर्ट है ये बच्चियों के बारे में, 15 साल में प्रजनन के उपयुक्त पाई जाती है, तो 18 साल परिपक्व हो गई बच्ची ये माना जाता है वैज्ञानिकों से, उसे रहना चाहिए। 21 साल का लॉजिक आप बता दो शिवराज की तरफ से, आप भी बता दो चलो क्या लॉजिक है 21 साल की, क्यों होना चाहिए शादी की उम्र। 13 जनवरी को भोपाल में मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका विषय था 21 लोग मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पी के मर गए, दूसरा था पूरे देश में चल रहा किसान आंदोलन, और तीसरा मुद्दा था श्रीमान शिवराज चौहान ने कहा कि बच्चियों की शादी की उम्र 21 साल होना चाहिए। 21 साल की उम्र पे जो मेरा बयान आया उस पर तथा कथित बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक बवाल मचाने की कोशिश की। मैं इसके तथ्य आप सबको बताना चाहता हूँ कि शिवराज चौहान 21 साल क्यों करना चाहते हैं, क्या वजह है। संविधान में जब प्रदत्त है कि 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो, 21 साल की उम्र में लड़कों की शादी हो, और जब हमने मताधिकार दिया है 18 साल के लड़के लड़कियों को कि आप अपनी अच्छी सरकार चुनो देश की और अपने प्रदेश की, हम मान के चलते हैं कि हमारे बच्चे परिपक्व हो गए, इसलिए उन्हें मताधिकार का हमने उपयोग करने की छूट। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, और अब एक डबरा की बड़ी खबर से रुख करते हैं, जहां अवैध शराब के चलते पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डबरा से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने लाखों रुपए के लहन को नष्ट कर दिया है। भीतरवार के ट्रक मियांपुर में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने लाखों रुपए के लहन को नष्ट कर दिया है। तो डबरा से खबर आपको बता रहे हैं, अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है, और ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, जहां पुलिस ने लाखों रुपए के लहन को नष्ट कर दिया है। भीतरवार के एक मियांपुर में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अवैध यहाँ पर शराब रखी हुई है, जिसके चलते इसे
लगातार यहाँ पुलिस की तरफ से लहन किया जा रहा है और ऐसे में पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर सुनील राजावत जुड़ गए हैं। सुनील, किस तरह की अपडेट मिल रही है अभी? जी रितु जी, मैं आपको बता दूं, जब से अवैध शराब का जो कारोबार चल रहा था उसमें पुलिस ने दबिश दी। दूसरा क्या है, मुरैना का जो हाल ही में मामला जो आया है, जो लगभग व्यक्ति शराब के पीने से मौत हुई, उससे पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस विषय को लेकर के हमारी जब एसपी साहब से बात हुई, इसको लेकर के एसपी साहब ये कहना है कि ये दबिश लगातार जारी रहेगी, कहीं ना कहीं जो मुरैना जिले में जो वाक्य हुआ है वो है ग्वालियर जिले में ना दोहराया जा सके, इसको लेकर आए दिन कार्रवाई जारी रहेगी। चलिए सुनील, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको डबरा की दिखा रहे हैं, जहां तस्वीरों में पुलिस लाखों रुपए के लहन को नष्ट करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में पुलिस का जो ये कार्रवाई वाला अभियान है, ये बदस्तूर अभी भी जारी है। तमाम इलाकों में पुलिस की तरफ से इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि भोपाल से है, जहां क्राइम ब्रांच में पदस्थ डीएसपी दिनेश सिंह चौहान स्पा संचालक से रुपयों की फोन पर डिमांड करने के मामले में फंस गए हैं। पूरे मामले का ऑडियो सामने आया, इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। ऑडियो 2 दिसंबर को कोलार स्थित स्पा सेंटर पर कार्रवाई के बाद का बताया जा रहा है, जहां आरोपी बनाए गए स्पा संचालक से 50,000 रुपए लेने के बाद चालान पेश करने के नाम पर और रुपए मांग रहे हैं। एएसपी क्राइम ब्रांच गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि मामला गंभीर है। ऑडियो सामने आते ही डीएसपी दिनेश सिंह चौहान के संबंध में रिपोर्ट डीआईजी समेत आला अधिकारियों को दे दिए गए हैं। उनके खिलाफ सस्पेंड किए जाने और विभागीय जांच की अनुशंसा की गई है। सोशल मीडिया और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें जो है अभी अभी देखा गया है कि हमारे यहाँ डीएसपी दिनेश सिंह चौहान है, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है, उसको प्रथम दृष्टा सुना गया है। उस आधार पर जो है हम उनके खिलाफ जो पुलिस मुख्यालय को और शासन को भी लिख रहे हैं, इनके खिलाफ जो है उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। और प्रथम दृष्टा सुनने में ऐसा लग रहा है, बाकी ऑडियो की जो जांचें होती हैं वो तो होंगी ही, लेकिन उनके खिलाफ प्रथम दृष्टा हमने कार्रवाई के लिए यहाँ से भोपाल पुलिस के द्वारा शासन को लिखा। तो मालूम होगा ये उस जो प्रथम दृष्टा सामने आया, जैसे उसमें जो लंदन स्पा सेंटर की कार्रवाई की बात है, चूंकि ये खुद ही लीड कर रहे थे, उसमें खुद ही कार्रवाई करने गए थे, तो उसी का प्रथम दृष्टा समझ में आया ऐसा, और जांच होगी तो उसमें क्लियरिटी आई जाएगी। लेकिन जितना हमारे तरफ से प्रयास है, जितना पूरा प्रयास है कि ऐसी कोई घटना ना हो, अगर कोई करेगा तो किसी को किसी भी स्थिति में छोड़ा भी नहीं जाएगा, और उसको जो भी विभागीय कार्रवाई नियमानुसार होती है 100% हम करेंगे। मुरैना में जहरीली शराब से लोगों की मौतें होने के बाद पुलिस अधीक्षक दतिया अमन सिंह राठौर के निर्देश पर दतिया में रोज पुलिस और आबकारी टीमें दबिश दे रही हैं। दतिया के समीप थाना सिविल लाइन क्षेत्र के हमीरपुर कंजर डेरा पर एसडीओपी सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में एसपी अमन सिंह राठौर के मार्गदर्शन में टीआई रविन्द्र गुर्जर की टीम ने दबिश दी है। एसडीओपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि जब्त शराब में 40,000 कचरे अवैध शराब, जो कि नीले रंग के ड्रमों में रखी हुई थी, वो और 3,000 लीटर बनी हुई कंजर शराब जब्त की है। मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय दतिया द्वारा अवैध कच्ची शराब और अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, तो उसी के तारतम्य में जरिए मुख्य सूचना मिली थी कि हमीरपुर कंजर डेरा थाना सिविल लाइन वहाँ पर कुछ अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही है। तो वहाँ मौके पर अभी हम आए हैं आज, और यहाँ पर लगभग 40,000 लीटर कच्ची लहान और लगभग 3,000 लीटर जो शराब बनी हुई है वो मौके से मिली है, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी कीमत की होगी सर जी? इसकी कीमत अनुमानित लगभग 20 लाख रुपए होगी। अमरपाटन से मिल रही खबर का रुख करते हैं, जहाँ अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मारी है बाइक को। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद आपको बता दें कि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। अमरपाटन थाना क्षेत्र के लालपुर की घटना बताई जा रही है। तो अमरपाटन से खबर, जहां अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नजीम सौदागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नजीम, फिलहाल जिस तरह से ये हादसा हुआ और तस्वीरों को देखकर भी लगाया अंदाजा जा सकता है कि कितना भीषण होगा, ऐसे में ट्रक चालक की अभी गिरफ्तारी हुई या नहीं?
जी बिल्कुल, तो बता दूं सबसे पहले तो पूरा मामला हमारे पाटन थाना क्षेत्र के लालपुर ग्राम का है, जहां पर जो है एक ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक सवार को टक्कर मार देता, बाइक सवार की जो है घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है, और उसके बाद ही वहीं से घटना स्थल पर ही जो ट्रक चालक मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो जाता है, और अभी तक उसकी जो है कोई नहीं पता चल पाया कहाँ का है कौन है। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जाँच में जुटी हुई है। चलिए नजीम, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अमरपाटन की तस्वीरें, जहाँ तस्वीरों देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था, क्योंकि इस हादसे में आपको बता दें कि एक युवक की यहाँ पर मौत हो चुकी है, जिसको फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए डीएनएन के साथ। नमस्कार।